दोस्तों आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल वंस मेडिकल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों एम्स पटना में पैरामेडिकल की बहुत सारी वैकेंसी निकलेगी अप्रैल महीने के अंदर, जिनमें से दोस्तों कुछ वैकेंसी जो फार्म के वो वापस से रीओपन हुए के फेज़ फर्स्ट के अंदर, और कुछ वैकेंसी फार्म वो अब रीओपन हुए हैं फेज़ सेकेंड के अंदर। तो दोस्तों इसमें अपन बात कर लेते हैं पैरामेडिकल की कौन कौन सी वैकेंसी है जिनके फार्म वापस से रीओपन हुए हैं। तो इसमें अपन बात कर लेते हैं दोस्तों, जो सी एस एस डी टेक्नीशियन है उसके फार्म वापस से रीओपन हुए हैं, डार्क रूम असिस्टेंट के फार्म रीओपन हुए हैं। इसमें अपन बात है जो लैब टेक्नीशियन है उसके फार्म वापस से रीओपन हुए हैं। इसके बाद में जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है उनके फार्म रीओपन हुए हैं। मल्टी रीएप्लीकेशन वर्कर जो फिजियोथेरेपिस्ट है उनके फार्म वापस से रीओपन हुए हैं। इसके बाद दोस्तों जो फार्मा केमिकल एग्जामिनर है उनके फार्म वापस से रीओपन हुए हैं। फिजियोथेरेपी के फार्म वापस से रीओपन हुए हैं। इसके बाद में जो पब्लिक हेल्थ नर्सेज है उनके फार्म रीओपन हुए हैं। इसके बाद में जो टीबी एंड चेस्ट डिजीज हेल्थ असिस्टेंट है उनके फार्म रीओपन हुए हैं। टेक्निकल ऑफिसर डेंटल टेक्नीशियन है उनके फार्म रीओपन हुए हैं। टेक्निकल ऑफिसर जो ऑप्थमोलॉजी है जो ऑप्थमोलॉजी टेक्नीशियन है उनके फार्म रीओपन हुए हैं। तो ये वैकेंसीज है जिनके फार्म वापस से रीओपन हुए हैं। तो इनमें अपन बात कर लेते हैं दोस्तों, इनमें टोटल पोस्ट कितनी क्या रहने वाली है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, फॉर्म डेट क्या रहने वाली है, उनके बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों अपन आ गए हैं एम्स पटना जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर। तो यहाँ पर दे रहता है दोस्तों जो फॉर्म है वो दोस्तों 19 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं वापस से, और फॉर्म भरने जो अंतिम तिथि है वो 9 अगस्त रहने वाली है। तो आप लोग 9 अगस्त से पहले पहले फॉर्म अप्लाई कर देना है। जो रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है मैं दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, तो आप वहाँ से देख लेना। इसमें सबसे अच्छा चांस उन स्टूडेंटों के लिए है जिनका डिप्लोमा या डिग्री पहले कम्प्लीट नहीं हुआ था, जिनका आप कम्प्लीट हो चुका है तो वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। जिन्होंने पहले अप्लाई कर दिया था उनको वापस से फॉर्म अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों इसमें अपने क्वालिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो वैकेंसी है जिसके फॉर्म वापस से रीओपन हुए वो फिजियोथेरेपिस्ट के यहाँ पर वैकेंसी रहने वाली है। मल्टी रीएप्लीकेशन वर्कर के यहाँ पर वैकेंसी रहने वाली है। तो अपन सबसे पहले इसकी सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें सैलरी है 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये पर मंथ यहाँ पर आपकी सैलरी रहने वाली है। असेंस क्वालिफिकेशन में बात करें तो दोस्तों फिजियोथेरेपी में आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए। और दोस्तों यदि आपने डिप्लोमा कर रहता है रीएप्लीकेशन के अंदर और आपके पास में 5 साल का एक्सपीरियंस है, साथ में जो फिजियोथेरेपी काउंसिलिंग है उसमें आपके पास में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यह ग्रुप बी की वैकेंसी रहने वाली है। एज के बारे में बात करें तो आपकी एज वो 21 से 30 ईयर के बीच में होनी चाहिए। टोटल पोस्ट के बारे में बात करें टोटल यहाँ पर 8 पोस्ट रहने वाली है और जनरल के अंदर ये पोस्ट रहने वाली है। इसमें अपन सिलेक्शन के बारे में बात करें तो दो कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट रहने वाला है, आपकी एग्जाम होगी उस हिसाब से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी ये भी फिजियोथेरेपिस्ट के लिए रहने वाली है। सैलरी के बारे में बात करें दोस्तों 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये पर मंथ आपके यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। असेंशियल क्वालिफिकेशन में बात करें दोस्तों जो 12th है वो साइंस में पास होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अंदर। और दोस्तों यदि आपने फिजियोथेरेपी के अंदर बैचलर डिग्री दर्ज की है और आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस है, साथ में फिजियोथेरेपी काउंसिल है उसमें आपके पास में रजिस्ट्रेशन है, तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ग्रुप बी की वैकेंसी रहने वाली है। एज के बारे में बात करें तो इसकी एज है वो 21 से 30 बीच में दे रखी है। टोटल पोस्ट के बारे में बात करें टोटल यहाँ पर 2 पोस्ट है, जनरल में यहाँ पर 1 पोस्ट है, ओबीसी में यहाँ पर 1 पोस्ट रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो सीबीटी रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के लिए रहने वाली है। टोटल पोस्ट के बारे में बात करें नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपने ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के लिए रहने वाली है। सबसे पहले अपन सैलरी के बारे में बात करें दोस्तों 35,400 ले जाइए 1,12,400 रुपये पर मंथ यहाँ पर आपकी सैलरी रहने वाली है। असेंशियल क्वालिफिकेशन बात करें दोस्तों 12th व साइंस में पास होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के अंदर। एंड दोस्तों आपके पास में ऑक्यूपेशनल थेरेपी के अंदर बैचलर डिग्री होनी चाहिए और 2 साल तक आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए और ऑक्यूपेशनल थेरेपी काउंसिलिंग है उसमें आपके पास में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यह चीज़ें आपके पास है तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ग्रुप बी की वैकेंसी रहने वाली है। एज के बारे में बात करें तो आपकी एज वो 21 से 30 के बीच में होनी चाहिए। टोटल पोस्ट के बारे में बात करें तो टोटल यहाँ पर 2 पोस्ट है, 1 पोस्ट यहाँ पर जनरल में, 1 पोस्ट यहाँ पर एसी में रहने वाली है।
सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस सीबीटी यहाँ पर रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर नर्सिंग से रिलेटेड है, तो यहाँ पर टीबी एंड चेस्ट डिजीज हेल्थ असिस्टेंट की वैकेंसी रहने वाली है। सैलरी के बारे में बात करें दोस्तों 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये पर मंथ यहाँ पर आपकी सैलरी रहने वाली है। असेंशियल क्वालिफिकेशन बात करें दोस्तों यदि आपने बीएससी नर्सिंग कर रखी है तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, और जिन्होंने जीएनएम कर रखी है और आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ग्रुप बी की यहाँ पर वैकेंसी रहने वाली है। टोटल पोस्ट के बारे में बात करें टोटल यहाँ पर 2 पोस्ट है। एज लिमिट में बात करें तो आपकी एज वो 21 से 30 ईयर के बीच में होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो यहाँ पर सीबीटी रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी डेंटल टेक्नीशियन के लिए रहने वाली है। टोटल पोस्ट यहाँ पर अपन सैलरी के बारे में बात करें दोस्तों 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये पर मंथ यहाँ पर आपकी सैलरी रहने वाली है। असेंशियल क्वालिफिकेशन में बात करें दोस्तों 12th व साइंस में पास होनी चाहिए, एंड दोस्तों आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए डेंटल हाइजीन के अंदर, डेंटल मैकेनिक के अंदर। ये चीज़ आपके पास है तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। साथ में दोस्तों यहाँ पर आपके पास में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और डेंटल हाइजीनिस्ट या डेंटल मैकेनिक के अंदर जो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया उसमें आपके पास में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यह चीज़ आपके पास है तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ग्रुप बी की वैकेंसी रहने वाली है। एज के बारे में बात है तो आपकी एज वो 21 से 35 ईयर के बीच में होनी चाहिए। टोटल पोस्ट के बारे में बात है टोटल यहाँ पर 4 पोस्ट है। जनरल में यहाँ पर 2 पोस्ट है, ओबीसी में यहाँ पर 1 पोस्ट है, एससी में यहाँ पर 1 पोस्ट है रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो सीबीटी रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों अपनी नेक्स्ट वैकेंसी है यहाँ पर टेक्निकल ऑफिसर ऑप्टोमोलॉजी के लिए, तो इसमें अपन सैलरी के बारे में बात करें दोस्तों 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये पर मंथ यहाँ पर आपकी सैलरी रहने वाली है। असेंशियल क्वालिफिकेशन बात करें दोस्तों ऑप्टोमोलॉजी टेक्निक के अंदर आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और आपके पास में 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ग्रुप बी की वैकेंसी रहने वाली है। एज के बारे में बात करें तो आपकी एज वो 21 से 35 ईयर बीच में होनी चाहिए। टोटल पोस्ट के बारे में बात है टोटल यहाँ पर 4 पोस्ट है। जनरल में यहाँ पर 3 पोस्ट है, ओबीसी में यहाँ पर 1 पोस्ट है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो सीबीटी रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी डार्क रूम असिस्टेंट के लिए रहने वाली है। जो रेडियोग्राफर है उनके लिए यहाँ पर वैकेंसी रहने वाली है। तो इसमें अपन सैलरी के बारे में बात करें दोस्तों 25,500 से लेकर के 81,100 रुपये पर मंथ यहाँ पर आपकी सैलरी रहने वाली है। असेंशियल क्वालिफिकेशन बात करें दोस्तों रेडियोग्राफी में आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए, और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए। ये चीज़ आपके पास है तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ग्रुप सी की वैकेंसी रहने वाली है। एज के बारे में बात करें तो आपकी एज है वो 21 से 30 ईयर बीच में होनी चाहिए। टोटल पोस्ट के बारे में बात करें टोटल यहाँ पर 5 पोस्ट है। जनरल में यहाँ पर 4 पोस्ट है, ओबीसी यहाँ पर 1 पोस्ट रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो सीबीटी यहाँ पर रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर लैब टेक्नीशियन के लिए रहने वाली है। सैलरी के बारे में बात करें दोस्तों 29,200 से लेते 92,300 रुपये पर मंथ यहाँ पर आपकी सैलरी रहने वाली है। असेंशियल क्वालिफिकेशन बात करें दोस्तों जो 12th व साइंस में पास होनी चाहिए, एंड दोस्तों मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी अंदर आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए। यह चीज़ आपके पास है तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ग्रुप सी की वैकेंसी रहने वाली है। एज के बारे में बात करें तो आपकी एज 21 से 30 ईयर बीच में होनी चाहिए। टोटल पोस्ट के बारे में बात करें टोटल यहाँ पर 1 पोस्ट है। जनरल में यहाँ पर 1 पोस्ट रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो सीबीटी रहने वाला। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी जिसकी फॉर्म वापस से रीओपन हुए हैं वो यहाँ पर है फार्मा केमिकल एग्जामिनर की जो वैकेंसी है उसके फॉर्म वापस से रीओपन हुए। सैलरी के बारे में बात करें दोस्तों 29,200 से लेते 92,300 रुपये पर मंथ आपकी यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। असेंशियल क्वालिफिकेशन बात करें दोस्तों फार्मेसी में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, और फार्मेसी एक्ट 1948 से फार्मेसी में आपके पास में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये चीज़ आपके पास है तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ग्रुप सी की वैकेंसी रहने वाली है। एज के बारे में बात करें तो आपकी एज है वो 21 से 27 ईयर बीच में होनी चाहिए। टोटल पोस्ट के बारे में बात है टोटल यहाँ पर 1 पोस्ट है, और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात है तो सीबीटी यहाँ पर रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अपनी जो वैकेंसी है वो यहाँ पर नर्सिंग से रिलेटेड जिसके फॉर्म है वापस से रिओपन हुए पब्लिक हेल्थ नर्सेज, ये जो फार्म है वापस से रिओपन हुए। सैलरी के बारे में बात करें दोस्तों 47,600 से लेकर 1,51,100 रुपये पर मंथ आपके यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। असेंशियल क्वालिफिकेशन बात करें दोस्तों बीएससी नर्सिंग की होनी चाहिए, 2 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ग्रुप बी की यहाँ वैकेंसी रहने वाली है। इसमें अपन एज के बारे में बात करें तो एज वो आपकी एज है वो 21 से 35 ईयर के बीच में होनी चाहिए। टोटल पोस्ट के बारे में बात करें टोटल यहाँ पर 1 पोस्ट है। जनरल में यहाँ पर 1 पोस्ट रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो सीबीटी रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों अपन फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर्म क्या एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें जो
एप्लीकेशन फीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जनरल ओबीसी वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पर 300 रुपये रहने वाली है, 3000 रुपये यहाँ पर फॉरम फीस रहने वाली है। जो SC ST AWS वाले स्टूडेंट उनके लिए यहाँ पर 2400 रुपये फॉरम फीस रहने वाली है। और जो PH वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पर किसी प्रकार कोई फीस नहीं है। इसके बाद हम दोस्तों यहाँ पर एज जो IUCMI उसमें यहाँ पर छूट दे रखी है, तो आप यहाँ पर देख लेना। इसके बाद हम दोस्तों अपन बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। यहाँ पर CBT रहने वाला है, कंप्यूटर बेस आपका टेस्ट रहने वाला है। तो आप तो मिनिमम कितने नंबर चाहिए जब आप पास हो सकते हो, तो यहाँ पर जो जनरल AWS वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पर 50% नंबर होना आने चाहिए जो CBT होने वाला है उसके अंदर। और जो OBC वाले उनके लिए यहाँ 45% नंबर चाहिए। और जो SC ST वाले हैं उनके लिए यहाँ पर 40% नंबर चाहिए जो CBT रहने वाला है। टोटल शायद मेरे हिसाब से 100 नंबर का पेपर रहने वाला है, तो उसमें आपके पास इतने नंबर आने चाहिए। और जो जो PH वाले स्टूडेंट जनरल के उनके लिए 45 नंबर चाहिए। इसके बाद में दोस्तों इसका जो पूरा नोटिफिकेशन है मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, तो आप वहाँ से देख लेना। और इसका जो लिंक है फॉरम का वो भी मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। और ये PDF वो भी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वैकेंसी के साथ नई वीडियो के अंदर। थैंक यू दोस्तों।